नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल तुषार त्यागी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 9 सबसे शक्तिशाली परिवारों के बारे में, जो पर्दे के पीछे से पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। पैसा और पावर एक साथ रहते हैं, और जिसके पास ये दोनों हैं उसका सिक्का हर तरफ चलता है। कहा जाता है दुनिया का ज़्यादातर पैसा कुछ ही परिवारों के पास जमा है। इन सुपर रिच लोगों के बारे में कहा जाता है कि यह देशों में चलने वाली सरकारों को भी नियंत्रित करते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आती है मोडॉक्स फैमिली ऑस्ट्रेलिया। कैथ मोडॉक ने ऑस्ट्रेलिया से अपना साम्राज्य बनाना शुरू किया। शुरुआती दिनों में कैथ मोडॉक एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे, फिर कड़ी मेहनत कर वो एडिटर की पोजीशन पर आए। एडिटर की पोजीशन पर आते ही अखबार की सेल कुछ इतनी बढ़ी कि जल्द ही उन्हें CEO बना दिया गया। उनके बेटे रॉबर्ट भी एक पत्रकार थे। जब इस परिवार ने ऑस्ट्रेलियन मीडिया से अपना कंट्रोल खो दिया, तब उन्होंने अपना न्यूज़ कॉरपोरेशन खोला। आज यह परिवार फॉक्स, फॉक्स न्यूज़, माई स्पेस एंड डो जोन्स का मालिक है। इस न्यूज़ कॉरपोरेशन के जरिए इस परिवार ने शाही परिवार, सेलिब्रिटीज़, पुलिस और स्पेशल फोर्सेस की अवैध फोन टैपिंग से लेकर घूसखोरी तक के पर्दाफाश किए। वर्ल्ड के ज़्यादातर शक्तिशाली लोगों के बीच इस परिवार का दबदबा कायम है। दूसरे नंबर पर आती है द हाउस ऑफ साउद फैमिली। द हाउस ऑफ साउद एक शाही परिवार है जो सऊदी अरब में 1932 से शासन कर रहा है। इस फैमिली के हेड किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद हैं, और इसमें करीब 25,000 लोग रहते हैं। इस परिवार के हेड के पास पूरी राजनीतिक ताकत है, और साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों के पास सरकारी और सैन्य ताकतें हैं। इस परिवार के सदस्य सऊदी के अंदर अपनी मनचाही नौकरी कर सकते हैं। इसके अलावा ये दुनिया का 20% तेल भंडार नियंत्रित करते हैं। हमारी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती है वॉल्टन्स फैमिली अमेरिका। 1962 में सैम वॉल्टन ने पहला वॉलमार्ट स्टोर खोला था। समय के साथ वॉलमार्ट चैन ने अमेरिका में अपना दबदबा कायम कर लिया, और आज ये एक बड़ा नेटवर्क बन गया है। सैम की मौत के बाद उनकी पत्नी और 4 बच्चों ने कंपनी का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। इस सुपरमार्केट चैन के अलावा यह परिवार और वेस्ट बैंक और चैरिटी फंड भी चला। चौथे नंबर पर मॉर्गन खानदान आता है। कई राजनीतिक थ्योरीज के मुताबिक मॉर्गन परिवार US की राजनीति को कंट्रोल करने के साथ ही दुनिया के सभी बैंकों को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। इस परिवार के पहले सदस्य जॉन पाइपर मॉर्गन ने US में अपना वित्तीय साम्राज्य खड़ा किया। उन्होंने सिविल वॉर के दौरान हथियार भी बेचे, और साल 1907 में उन्होंने बैंकिंग सिस्टम को गिरने से रोका था। आज न सिर्फ US बल्कि यूरोप में भी इस परिवार का सिक्का बोलता है। पांचवें नंबर पर ओपेनहाइमर्स फैमिली आती है। ओपेनहाइमर्स परिवार दुनिया के सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व का मालिक है। इस परिवार के पहले सदस्य अर्नेस्ट ओपेनहाइमर साउथ अफ्रीका के किम्बर्ले चले गए थे। यहाँ वह शहर के मेयर बने, और साथ ही एक डायमंड कंपनी को भी हेड करने लगे। बहुत जल्द ही उन्होंने हीरे के व्यापार पर एकाधिकार जमा लिया और बन गए इस फील्ड के बादशाह। अब यह डायमंड एम्पायर अर्नेस्ट के पोते निकी संभालते हैं। यह परिवार न सिर्फ हीरे बल्कि सोने, लोहे, चांदी, प्लेटिनम आदि का भी व्यापार करता है। छठे नंबर पर आता है द हाउस ऑफ विंडसर। यह ग्रेट ब्रिटेन का शाही परिवार है। वर्तमान में इस परिवार की हेड क्वीन एलिजाबेथ II हैं। वह चर्च और ब्रिटेन की मिलिट्री फोर्स की चीफ कमांडेंट हैं। ग्रेट ब्रिटेन के अलावा एलिजाबेथ II 15 स्वतंत्र देशों की शासक हैं। यह परिवार काफ़ी हाई प्रोफाइल लाइफ जीता है, मिलिट्री में अपनी सेवा देता है और चैरिटी वर्क्स भी करता है। सातवें नंबर पर आती है द प्रिकर्स फैमिली। हयात कॉरपोरेशन का मालिक है प्रिकर्स परिवार। यह एक हॉस्पिटलिटी कंपनी है। ये परिवार कुल 54 देशों में 777 होटल्स का मालिक है। प्रिकर्स के पास अपना आर्किटेक्चर अवार्ड है, और अब इन्होंने शिकागो में अपना आर्किटेक्चर स्कूल खोला है। आठवें नंबर पर आती है द रॉकफेलर्स फैमिली। कहा जाता है कि रॉकफेलर्स 1 से 3 ट्रिलियन डॉलर तक की बेशुमार दौलत के मालिक हैं। जॉन रॉकफेलर और उनका परिवार 19वीं शताब्दी के अंत तक US के कुल तेल बाजार का 90% तेल कंट्रोल करता था। आज बैंक और तेल के अलावा यह परिवार क्रिप्टो करेंसी से भी कमाता है। कुछ कॉन्स्पेरेंसी थ्योरीज के मुताबिक रॉकफेलर परिवार सीक्रेट वर्ल्ड गवर्नमेंट का चेयरमैन है। नौवें नंबर पर आती है द रॉथसेल्स फैमिली। रॉथसेल्स नेपोलियन के समय में दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक थे। यह साम्राज्य मेयर एम्सल रॉथसेल्स से शुरू हुआ। जर्मनी में इस परिवार का एक बड़ा बैंकिंग बिजनेस था। इन्होंने अपना वित्तीय साम्राज्य खड़ा किया था। रॉथसेल्स परिवार को लेकर बहुत सारी अफवाहें हैं।
कहा जाता है कि ये परिवार दुनिया का पैसा कंट्रोल करता है। इसके अलावा इस परिवार को कोई कई लड़ाइयों को बढ़ावा देने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। रॉथसेल्स फैमिली की अनुमानित संपत्ति $2 ट्रिलियन है। तो ये थे कुछ ऐसे परिवार जो पैसा, पावर और पर्दे के पीछे से दुनिया की सत्ता चला रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।